नमस्कार दोस्तों, आपने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का नाम सुना है, CMBR, या बिग बैंग का सबसे बड़ा सबूत है। बिग बैंग क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी, और बिग बैंग के कुछ वर्षों के बाद या कुछ हज़ार वर्षों के बाद पार्टिकल से रेडिएशन अलग हो गए थे, या फोटोन अलग हो गया था। इसी फोटोन को हम रेडिएशन बोलते हैं, या पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से फैला एक बैकग्राउंड रेडिएशन है। अब इसी बैकग्राउंड रेडिएशन की तर्ज पर ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड रेडिएशन का पता चला है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसमें बहुत अहम भूमिका अदा की है इसको खोजने में। ये कुछ कुछ हम आवाज़ की तरह है। तो ग्रेविटेशनल वेव है क्या और यह उत्पन्न कैसे होता है? यदि हम किसी भी गेंद को पानी पे मारें या किसी पत्थर को पानी पे मारें तो पानी में वेव उत्पन्न होगा। बिल्कुल उसी तरह से ग्रेविटेशनल वेव भी उत्पन्न होता है, लेकिन पानी में नहीं, स्पेस टाइम में। आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये बताया कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, और ये स्पेस टाइम बिल्कुल एक प्रकार के फैब्रिक की तरह हैं, और मास के प्रभाव के कारण या बहुत भारी द्रव्यमान जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, बड़ी बड़ी गैलेक्सी, इनके कारण इस स्पेस टाइम में कर्वेचर उत्पन्न हो जाता है, और यही कर्वेचर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में दिखाई देता है। तो जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं, कोई भारी ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल, दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराएंगे, तो स्पेस टाइम में रिपल्स पैदा होगा। जैसे पानी में यदि पत्थर मारें तो रिपल्स पैदा होगा। तो स्पेस टाइम में रिपल्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव। अब पहली बार ग्रेविटेशनल वेव को 2016 में डिटेक्ट किया गया था, यानी कि इसके प्रिडिक्शन के 100 साल बाद, और इसको डिटेक्ट करने वाला इंस्ट्रूमेंट था लीगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लीगो ही वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट किया गया था पहली बार 2016 में। अब तक बहुत सारा ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट किया जा चुका है। भारत भी लीगो टाइप का ही एक ऑब्जर्वेटरी बना रहा है, और लीगो से ही ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत हुई थी। इससे ब्रह्मांड के बारे में बहुत बड़े राज खुल सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।